कसावद पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति सफेद कार में अवैध शराब कसावद से मंडलेश्वर की ओर ले जा रहे हैं। उक्त मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र चौहान के निर्देश में टीआई माधव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। सूचना पर तत्काल पुलिस माकड़खेड़ा पुल के पास वाहन चेकिंग लगाई और मुखबिर के बता अनुसार कुछ समय बाद चार पहिया वाहन की लाइट दिखी, जिसे रुकवाया तो उसमें दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछने पर उन्होंने अपना गोपाल सिंह पिता छतर सिंह सोलंकी महेंद्र पिता दालूराम पाटीदार करोंदिया थाना मंडलेश्वर होना बताया। साथ ही कार को चेक करने पर अलग अलग प्रकार की देसी विदेशी शराब मिली। पकड़े गए आरोपियों से शराब का परिवहन एवं रखने का संबंध में पूछताछ करने पर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं होना बताया एवं बच्चू निवासी मातमूल के लिए कसावद लोकल शराब दुकान से भरकर महेश्वर के लिए परिवहन किया जा रहा था। आरोपी के पास से देशी विदेशी शराब कीमत ₹1,33,720 के साथ दो सैमसंग कंपनी के मोबाइल, वही कार अनुमानित कीमत 3 लाख सहित 4,35,720 का जब्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में टीआई माधव सिंह ठाकुर सहित प्रधान आरक्षक रविन्द्र सिंह चौहान, आरक्षक दिनेश यादव, प्रवीण सोलंकी, रितेश मगरे, महेंद्र ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई थी, जो मुखबिर की सूचना पर माकड़खेड़ा पुल के पास चेकिंग लगाते एक वाहन पर दो व्यक्ति बैठकर आ रहे थे स्विफ्ट डिजायर में, जिसमें दो आरोपी राउंडअप किए और 37 पेटी शराब थी, अवैध शराब, जिसमें देसी और कुछ अंग्रेजी शराब की पेटियाँ भी रखी हुई थी। और ये अपने शासकीय शराब दुकान है जो कसराद, यहाँ से लेकर कोई बच्चू दरबार है मातमोल का, उसने ये शराब मंगवाई थी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावस से जाकिर खान की रिपोर्ट।